के ऊपर भी कुछ लोगों ने इलीगल बिल्डिंग बना दिए, इलीगल होटल्स बना दिए वगैरह, तो हमने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया था और हमने डाला था कि ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने ये आर्डर अभी दिया है कि बिल्कुल जो एस ए कालिनी है वो पूरी प्रॉपर्टी जो है वो हीरा ग्रुप की है, हीरा ग्रुप के तरफ से है, क्योंकि सारे एजेंसियों ने रिपोर्ट दिया है। हमने डीडी और पेमेंट जो देकर जमा करके लिखे थे और ईडी ने अटैचमेंट किया था, तो इसलिए वो प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गई अल्लाह के फजलो करम से। और तीसरा आर्डर ये दिया है कि जो डेटा देने के लिए, डेटा देना तो एक छोटी सी बात है क्योंकि डेटा सेंटर को ब्रेक किए थे, डेटा सेंटर को ऐसा ब्रेक किए थे जैसे मैं अरेस्ट हुई 4 डेज में जाकर कोंडापुर में हमारा डेटा सेंटर था, उसमें जाकर उसके सारे चीजों को निकाल देना। 1-2 लाख के FIR के लिए, 3 लाख के FIR के लिए लाखों के लोगों का डेटा विदाउट कोर्ट के ऑर्डर के निकाल भी नहीं सकते, मगर एक जुल्म था कि अब फोन क्या करेंगे, एक औरत है अंदर चली गई, अब फोन क्या करेंगे, किस तरह से ये करेंगे। तो डेटा सेंटर को टोटल ब्रेक कर देना और ब्रेक करके हर चीज को अलग कर देना ये सब जरूरी नहीं था, हो सकता था 1 लाख कर लेते थे और लाख करके उसको रखते थे। अब तक 3 बार सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिया कि डेटा दे दो, डेटा दे दो, डेटा दे दो, आज तक डेटा CCS ने हमको प्रोवाइड नहीं किया, ना FSL ने प्रोवाइड किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप अपने IT टेक्निकल इंजीनियर्स को लेके जा सकते हैं और लेके जाके जो है डेटा को ला सकते हैं। तो अभी हम कल गए थे SFIO को लेने के लिए, तो वहां पर जो इंचार्ज थे बड़े वो नहीं थे, अब वो भी क्या करेंगे, साथ में आएंगे और FSL को जाके इंशाल्लाह डेटा भी लेकर आएंगे। और ये 4 हमारे लिए जो है बेहतरीन ऑर्डर्स दिए सुप्रीम कोर्ट ने। और पहले हमको दिया था कि आपका बिजनेस आप रिस्टार्ट करते हो, कर सकते हो, जो लोग आपके साथ रहना चाहते हैं उनको रखकर आप बिजनेस कर सकते हो, जो लोग जाना चाहते हैं उनका पेमेंट जो है उनके हिसाब से आप अदा कर सकते हो। तो कंपनी ने आज तक कई लोगों का पेमेंट, आज भी, आज के डेट में भी पेमेंट कंपनी अदा कर रही है और वो स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट को भी जो है सबमिट कर रही है। मैं सबसे यही गुजारिश करना चाहती हूँ कि आइंदा के दिनों में आपके न्यूज से, आपके मैसेज से लोगों को मैं एक मैसेज ये देना चाहती हूँ कि बिजनेस करने वालों को इलीगल हरास मत करो। अगर बिजनेस करने वालों को तुम हरास करोगे, 2 लाख का, 1 लाख का केस जो कि करोड़ों, मल्टी करोड़ इनकम टैक्स पे करने की कंपनी की सीईओ को उठा के तुम अंदर रख देंगे तो इकोनॉमी डाउन हो जाएगी, हिंदुस्तान के बिजनेस गिर जाएंगे। और पहले उनको एक नोटिस देना चाहिए, उनको पूछना चाहिए कि तुम क्या देना चाहते हो, क्या नहीं देना चाहते हो, उसके बाद कोई भी स्टेप ले सकती। मगर जो है काफी स्टेप ऐसे ले लिए गए कि जैसे अपने घर की बात है, एक्ट लगाना तो अपना पेन पेपर हाथ में है, एजेंसी जो